हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट और बच्चों सारे कैसे हो इन्जॉय कर रहे हो पढ़ रहे हो खेल रहे हो कूद रहे हो तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स साइंस टॉपिक इज फाइबर टू फैब्रिक दिस इज़ माय लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर में इस वीडियो में हम फटाफट रिकैप करेंगे पूरा जो हमने पिछली वीडियोस में किया पूरे चैप्टर का फटाफट से रिकैप है सो so, यह आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा सारा कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था क्या नहीं ठीक है सबसे पहले हमने जो इसमें डिस्कस करना है वो आएगा हमारे जो हमने जिस मेन चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक फाइबर से लेके हमने फैब्रिक तक बनाया उसमें अरे हमारे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे कुछ कुछ हुए थे हम वो सारे डिस्कस करेंगे ठीक है देखो आपके लिए बना हुआ है ये डायग्राम सबसे पहले हमने लिए पहला फाइबर आ, फाइबर बनाना होता ना हमने पहले तो कॉटन रोल्स या जूट आपके इसमें सिर्फ प्लांट्स का ही है और कॉटन और जूट ही डिटेल में है बाकी सारे आपकी क्लास सिलेबस में नहीं है तो हमने कॉटन और जूट का ही हमने पूरा डिस्कस किया है सबसे पहले हमने किया या कॉटन रोल रोल मिलता है हमारे को प्लांट से या हमें जूट हमें हम कैसे करते हैं उसको कॉटन रोल कॉटन रोल जो हमें मिलते हैं या जूट हमें जो प्लांट से मिलते हैं उसको हम फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए कॉटन के लिए गिनिंग प्रोसेस यूज़ होता है और जूट के लिए रेटिंग होता है ठीक है हमारा गिनिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया था ना उसके लिए कॉम्बिंग हमारी यूज होती है मैनुअली मशीन्स भी यूज होती हैं और रेटिंग करते हैं हम जूट के लिए जिसके बीच में हम जूट सेम्स को पानी में सोक करने के लिए रख देते हैं थोड़े दिनों के लिए और कुछ देर बाद में वो गल जाती है फिर हम बाय हैंड उसका जो है सादा निकाल के उसका फाइबर अलग कर लेते हैं इस चीज़ में बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो कॉटन है वो सीधा ही फाइबर में बन जाता है हमारा सीधा ही फैब्रिक बनता है जूट का कॉटन का हमारा पहले फ़ाइबर बनेगा फिर यान बनेगा फिर फैब्रिक बनेगा और जूट हमारा रेटिंग प्रोसेस से सीधा ही स्टेप्स फॉरवर्ड करके फैब्रिक पे आ जाता है ठीक है तो अब हम जो आगे डिस्कस करना है वो हमने सिर्फ कॉटन का डिस्कस करना है सो so, हमने गिनिंग की तो हमने कॉटन सीड्स को सेपरेट किया फाइबर निकाला फाइबर निकला है, फाइबर के ऊपर फिर हमने फाइबर को कन्वर्ट करने है यान में यान में करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था स्पिनिंग प्रोसेस यूज़ किया था स्पिनिंग प्रोसेस में आप रिकॉल करो हमने उसमें तकली और चरखा दो सिंपल डिवाइज यूज़ की थी वैसे इसमें मशीन्स भी यूज़ होती हैं हमने डिस्कस किया था उससे हमारा फाइबर जो है यान में कन्वर्ट हो गया जब हमारा यान में कन्वर्ट हो गया फिर हमने उसको फैब्रिक की शेप देनी है फैब्रिक होता है ना कपड़ा जो आप सीधा यूज करते हो कॉटन का उसमें हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो होते हमारे वीविंग और निटिंग यूज होता है निटिंग से हमारे गरम कपड़े मतलब आप जो सिलाइयों से आपने देखा होगा आपकी पेरेंट्स निटिंग आ, ग्रैंड मदर्स या कहीं की मदर्स निटिंग करती हैं क्रोशिया भी चलाती हैं तो उससे हमारा जो आ, सिंगल थ्रेड से हम वूल से निटिंग करके फैब्रिक बनाते हैं और वीविंग में भी हम फैब्रिक बनाते हैं ठीक है सो ये था हमारा बहुत ज़्यादा उसमें आ, मैंने आपको ब्रीफ में आपको ओवरव्यू दिया है कैसे हमारा कॉटन रोल्स कॉटन का कपड़ा बनता है फैब्रिक बनता है और जूट का बनता है तो फिर एक बार बताना चाहूँगी कॉटन के लिए हमने गिनिंग प्रोसेस किया फाइबर कन्वर्ट करने के लिए और जूट के लिए हमने रेटिंग प्रोसेस किया यान बनाने के लिए फाइबर से यान के लिए हमने कॉटन के लिए स्पिनिंग यूज किया और जूट के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ता जूट तो रेटिंग प्रोसेस से ही फैब्रिक बन जाता है यान को कन्वर्ट करना है हमने फैब्रिक में तो हमने कॉटन में तो हमने वीविंग और निटिंग यूज की है ठीक है बेटा ये था हमारा फटाफट से एक रीकैप कैसे हम जो कॉटन रोल या जूट मिलता है उसको तो कैसे हम फैब्रिक में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कौन से प्रोसेसेस हमारे लगते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए एक आपको ये पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं वन मार्क के कि आपको नेचुरल फाइबर्स की क्या एग्जांपल्स हैं मतलब अलग अलग फाइबर्स के वो नाम दे देते हैं और आपको वो एग्जाम्पल्स बतानी होती हैं तो ये मैं आपको एक इसकी छोटी सी आपको टेबल फॉर्म में मैं आपको बे बताना चाहूँगी so, मैंने सबसे पहले ये टेबल में जो है आपके सिक्स टाइप के आपके मैंने आ, फाइबर्स फैब्रिक्स लिए हैं कॉटन का वूल का कोकोनट फाइबर, फाइबर सिल्क जूट और फ्लैक्स ठीक है कॉटन का तो सीधा ही आपको पता है फाइबर को कॉटन फाइबर बोलते हैं उससे हमारी क्या एग्जांपल्स हैं क्लोथ्स बन जाती हैं विक्स विक्स आप जानते हो क्या होता है जो आप आपके घर में आप कैंडल मतलब आपने कैंडल्स के ऊपर देखा होगा जिसमें आग लगाते हैं दैट इज विक या आप जो जलाते हो जो आप बत्तियाँ कर यूज करते हो दैट आर विक्स उनको विक्स बोलते हैं क्योंकि कैरिसिन लैम्प्स वगैरह तो अब आप लोगों ने देखा नहीं ये तो पहले यूज होते थे तो आपको पता होगा बट आप जो जलाते हो ये तो सबको ही पता ना जो उसमें कॉटन की वो मिलती हैं दैट इज़ रीज आर नोन एज विक्स और हम कॉटन जो है कॉटन वूल को ये देखो कॉटन वूल को हम कहाँ यूज़ करते हैं आप देखिए हो आप घर में सोते हो आपके लोग जो पिल्ल हैं क्वेल्ट हैं मैट्रेस हैं या आपके जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं उन सबको फिलिंग करने के लिए क्या यूज़ होता है कॉटन वूल यूज़ होती है वैसे आजकल सॉफ्ट टॉयज़ के लिए जो है कॉटन वूल वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं तो इनसे पॉलीफिल यूज़ ज़्यादा यूज़ होती है आजकल तो मेटल से ये कोल्ट्स में भी पॉलीफिल पिल्लोस में भी पॉलीफिल और आपके सॉफ्ट टॉयज में पॉलीफिल होते हैं पॉलीफिल ये भी आपकी कॉटन की ही एक डिस्टिंक्ट uh, आप कह सकते हो एक uh, अलग तरह की वो चीज़ है मतलब कॉटन जैसी हुई है उसका ही एक अलग फीचर है जो आपका पॉलीफिल में यूज़ होता है एज आ पॉलीफिल यूज़ होता है ये था wool. Wool हमारा कॉटन का नाव कम्स वूल वूल हमारे को कहाँ से मिलती है एनिमल से कॉटन हमारा था प्लांट सोर्स वूल हमारा क्या है एनिमल सोर्स शीप से मिलती है याक्स वगैरह से मिलती है इनकी हम क्या चीज़ें इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं कोट्स बनते हैं ग्लव्स बनते हैं स्वेटर्स बनते हैं सॉक्स बनती हैं ठीक है देन कम्स कोकोनट फाइबर कोकोनट फाइबर का नाम क्या है क्वायर ये आपको स्पेलिंग दिखे है सी ओ आई आर क्वायर ये आपको वन मार्क क्वेश्चन कई बार आ जाता है इसके आपके क्या यूज हैं रोप बनती है रस्सी जिसको बोलते हैं ना मैट्स बनते हैं आपने कभी आपने अगर विलेजेस वगैरह में जाओ तो आपने देखा होगा रोप से उन्होंने ना वो बनाया होता है मंजे मंजे बने होते हैं बुने होते हैं वो हमारी कोकोनट फाइबर होती है या आपकी थैलियाँ जिससे बनती हैं जिससे हम बांधते हैं सेबा बोलते हैं दैट इज़ या आपकी कॉट ये शुगर की राइस की जो आपकी बोरियाँ आती हैं ना वो बोरियाँ आपकी कोकोनट फाइबर कॉयर से बनी होती है ठीक है नेक्स्ट कम सिल्क सिल्क हमारा कहाँ यूज़ होता है उसकी क्या चीज़ें बनती हैं सिल्क हमारा जो है वो हमारे को सिल्क वॉर्म से मिलता है ठीक है इसके क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं शर्ट्स सिल्की शर्ट्स बन जाती हैं फॉर्मल ड्रेसेस बन जाती हैं वॉल हैंगिंग्स बन जाती हैं आपकी मतलब जो डेकोरेशन आइटम्स इसकी सिल्की बनती हैं पिल्लो कवर्स वगैरह ऑल दिस ये आपकी फर्निशिंग में काम आता है देन कम्स जूट जूट के क्या यूजेस हैं बैग्स वॉल कवरिंग्स होम फर्नीशिंग ये सारी चीज़ें जूट्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं फ्लैक्स फ्लैक्स का जो है फ्लैक्स के जो आपको फाइबर का नाम होता है वो लीलन होता है ये एल आई एन ई एन और इसके आपके क्या यूजेज हैं बेडशीट्स हैं लीलन क्लोथ जो बनता है ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है थीके? ये था हमारा आपको एक बार सारा ओवरव्यू देना था मैंने आपको एग्जाम्पल सारी जो आपके पेपर में काफ़ आ जाती हैं आप आई थिंक दिस विल बी वेरी यूज दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू कि फटाफट रिकॉल करने के लिए के चैप्टर में क्या था और क्या नहीं आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैंने यही डिस्कस करना था थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू